बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्री फर्स्ट ईयर 3.1 और 3.2 आप कर चुके हैं और 3.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 रहते हैं। क्वेश्चन 1 में सिंपल है कि I3 को A से मल्टीप्लाई करना है और A आपने क्या लेना है, AIJ3×4 तीन रो और चार कॉलम वाला वो क्वेश्चन खुद करना है। और क्वेश्चन 2 में भी इनवर्स फाइंड करना है। अगर सिमिलर मैट्रिक्स आ जाए तो आपने लिख देना है A inverse is not possible because A is singular, और अगर non singular होगा तो adjoint of A divided by determinant of A। 2×2 का adjoint क्या होता है, main diagonal entries की जगह change और secondary diagonal entries की sign change, वो आपने खुद करना है। तो अब हम start करेंगे 3.3 और उसका topic पढ़ेंगे, इंतहाई important minor and कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इट्स डिटरमिनेंट। एक मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो उसके माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा और डेफिनेशन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब, एक 3×3 का मैट्रिक्स लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ डिटरमिनेंट ए दी है 2, 4, 3, 6, क्लास 9 में जो पढ़ा था या अभी 3.12 में पढ़ा था। अब हमारा 3.3 से जो आपने 9th क्लास में मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट पढ़े हैं वो 3.1 और 3.2 में यूज किए हैं। 3.3 से थोड़ा डिफरेंट आ गया, वहाँ हमने 2×2 के पढ़े थे, आज अभी आएंगे 3×3 जिनका ऑर्डर क्या हो 3×3 या 4×4 के मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सीखेंगे। तो 2×2 का तो वेरी सिंपल है, आप निकालो है ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2, 4, 3, 6। तो क्या आता है 2×6 − 3×4 = 12 = 0। 2×2 का बहुत ही सिंपल है। अभी हमने सीखना है 3×3 का डिटरमिनेंट भी सीखना है और उसके माइनर और कोफैक्टर। मैं 3×3 का जनरल डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लेता हूँ, पहली रो A1, दूसरी रो A2, तीसरी रो A3। पहला कॉलम 1, दूसरा कॉलम 2, तीसरा कॉलम 3। पहले मैं जनरल मैट्रिक्स से समझाऊंगा, फिर एक एग्जांपल देके। पहले मैं माइनर समझा रहा हूं, इधर देखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A11। किसी भी एलिमेंट का देखें ना, 9 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 एंट्रीज हैं, यानी 9 आपके एलिमेंट है। तो पहले मैं A11 का माइनर निकालूंगा, A11 का माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11। टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके डेफिनेशन भी आ सकती हैं और ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। आगे फिर मैट्रिसेस को हमने सॉल्व भी करना है, तो गौर से आपने इस टॉपिक को आज पढ़ना है। माइनर A11 का निकालने का मतलब है A11 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दें और वो जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भी छोड़ दें। दोबारा समझने कि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो आपने जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट की, वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ देते हैं और उस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो यहां पे तो हम इसके अलावा क्या बच गए, A22, A23, A32 और A33, उसका डिटरमिनेंट निकाल लें, वो आपका उस एंट्री का उस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर वो कहते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A12, तो मेरे बच्चों A12 आप कौन सी रो में आ रहा है, ये है A12 पहली रो में, और कॉलम कौन सा है, आप कॉलम ये वाला आप छोड़ दें, A1 ये पहली रो में आ रहा है
और दूसरे कॉलम में तो बाकी आपके पास जो बच जाएगा ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। तो माइनर किसी भी एलिमेंट का जब निकालना हो तो वो जो एलिमेंट है जिस रो में आ रहा है उस रो को भी छोड़ दें और वो जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भी छोड़ दें, बाकी जो बच जाए उनका डिटरमिनेंट ले लें, वो बनेगा टू बाई टू और टू बाई टू का डिटरमिनेंट निकालना आपने सीखा हुआ है। तो अब मैं एक और लिखता हूं माइनर ऑफ एलिमेंट, लास्ट लिख लेता हूं ए थ्री थ्री। इसका क्या मतलब है, तीसरी रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम, बाकी क्या बच जाएंगे, ये रो मैं छोड़ देता हूं ये वाली और ये वाला कॉलम, बाकी क्या बच गया मेरे बच्चों ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू, उसका डिटरमिनेंट ले लें, वो उस एलिमेंट का माइनर आएगा। माइनर किसका निकल सकता है, ए वन वन का, जब ए वन वन का निकालेंगे तो ये ए वन वाली रो ए वन वन वाली और ये कॉलम, जिस एंट्री में जिस रो में ये वाली एंट्री आ रही है वो रो भी छोड़ देंगे और वो कॉलम, बाकी जो बच जाएंगे उनका डिटरमिनेंट। अब अगर ए वन टू का पूछे तो ये आपने रो छोड़ देनी है और ये कॉलम, अगर मैं ये रो छोड़ दूं और ये कॉलम, फॉर एग्जाम्पल ये देखें आपके पास ये कॉलम आपने छोड़ दिए, ठीक हो गए, और आपने पहली रो छोड़ दी, अगर ए वन टू का निकालना ये वाली, तो बाकी क्या बच गया आपके पास ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन और ए थ्री थ्री। तो ये आपके पास माइनर निकालने का तरीका है। अगर थ्री क्रॉस थ्री का आपके पास मैट्रिक्स है तो उसमें नौ एंट्रीज होंगी, नौ ही माइनर निकलेंगे। कौन कौन से, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन टू, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको फाइंड करके देता हूँ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए टू टू, क्या है मेरे बच्चों ए टू टू किस रो में आ रहा है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, बाकी क्या बच गए ए वन वन ए वन थ्री, सेकेंड रो छोड़ दें और सेकेंड कॉलम, तो ए थ्री वन और ए थ्री थ्री। दोबारा देखें माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए टू टू, इसका मतलब सेकेंड रो छोड़ दें, मैंने उसको डिलीट कर दिया और सेकेंड कॉलम वो भी खत्म कर दिया, आप देखें क्या रह गया, आप इजीली समझ आ जाएगा ए वन वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। तो ये माइनर है, इसको फिर देख लेते हैं ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब मैं देखता हूँ एक और माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए थ्री वन, फॉर एग्जाम्पल ए थ्री वन पहले नहीं निकाल, ए थ्री वन निकाल, तो आसान तरीका क्या है जी, ए थ्री वन जिस रो में आ रहा है उस रो को भी मैं खत्म कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और ये जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी, तो बाकी जो बच जाएंगे ए वन टू ए वन थ्री ए टू टू ए टू थ्री, ये इसका डिटरमिनेंट निकाल लें तो वो आपके पास माइनर आ जाएगा। तो भाई माइनर आसान तरीका है कि किसी भी एंट्री का माइनर निकालना हो तो उस एंट्री, वो एंट्री जिस रो में आ रही है वो रो खत्म कर दें और वो एंट्री जिस कॉलम में आ रही है वो कॉलम खत्म कर दें, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका डिटरमिनेंट निकाल लें तो वो उसका माइनर आ जाएगा। अब मैं जरा एक एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर जो गिवन मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर 3 बाई 3 था तो जो माइनर निकालेंगे उसका ऑर्डर मेरे बच्चों क्या आ रहा है, दो रो दो कॉलम इन सब में। तो अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 3 था तो जब माइनर निकालेंगे तो उसका ऑर्डर 2 बाई 2 होगा। अभी आपको एग्जांपल से डिटेल में समझाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 माइनस 1 1 2 3 2 4 5, वहां ये नहीं लिखोगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट 2, 2 तो यहां भी है यहां भी है, 2 कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, तो लिखाएगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन। अच्छा अब माइनर को एग्जांपल में टॉपिक में बताया कि कैसे पहली रो छोड़ दें पहला कॉलम, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, माइनर है तो एम से कर लेते हैं एम वन वन,
A1 नाम का मतलब है कि किसका इस जो एंट्री है ना ये वाली, इस एंट्री को A1 नाम कहते हैं कि पहली रो, A1 नाम का मतलब पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है तो A1 नाम आपके पास आएगा। तो इसका मतलब है कि पहली रो छोड़ दें ये वाली और पहला कॉलम, बाकी जो बच गए हैं उनका डिटरमिनेंट 2, 3, 4, 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 5 − 4 × 3 = 10 − 12 = −2। बहुत ही आसान टॉपिक है कि आज 3×3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो भी आज हम सीखेंगे। आज हमने सीखना है माइनर किसी एलिमेंट की कैसे निकालना है, कोफैक्टर किसी एलिमेंट की कैसे निकालना है, या 3×3 का 3/3 अगर ऑर्डर हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो 3.3 में बहुत ही आसान है, इसमें हमने यही सीखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3/3। तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। अभी माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12 कौन सी एंट्री होती है, पहली रो और दूसरा कॉलम, इसको जाहिर करेंगे M12 से। कैसे जाहिर करेंगे, माइनर को M से और 12 है तो 12, इसका मतलब क्या है, पहली रो छोड़ दी और दूसरा कॉलम, ये फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिए। देखिए गौर से कि अगर पहली रो को मैं छोड़ देता हूँ दूसरे कॉलम को, क्योंकि 1, 2 का मतलब है पहली रो छोड़ देनी और दूसरा कॉलम, तो बाकी एंट्रीज जो बच गई वो कौन सी हैं, 1, 3, 2, 5 1 × 5 − 2 × 3 = −5 1 × 5 2 × 3 = 6 तो मेरे बच्चों ये आ गया −1। एक और निकालते हैं क्योंकि टोटल 9 माइनर निकले हैं, बाकी आपने खुद निकालने हैं, रफ पे प्रैक्टिस करनी है। मैं एक और निकालता हूँ माइनर ऑफ एन एलिमेंट A33 किसे जाया करेंगे, M33 क्या मतलब है, तीसरी रो छोड़ देते हैं, छोड़ना है कि आप बिल्कुल इसको खत्म ही कर देते हैं, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। अब उधर ये नहीं करना कि पेपर में आप इसको क्या करेंगे, इसको बिल्कुल खत्म कर दें, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 2, 3, 1, 2 तीसरी रो और तीसरा कॉलम आपने छोड़ दिए, तो पीछे जो एलिमेंट बच गए हैं वो है 2, 3, 1, 2 तो ये आएगा 2 × 2 − 1 × 3 = −1 तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज माइनर वाले टॉपिक में आसान सी बात आपको क्या, बहुत ही आसान बात है, क्या समझ है, जिस एंट्री का माइनर निकालना हो वो जिस रो में है उस रो को खत्म कर दें, और वो एंट्री जिस कॉलम में है उस कॉलम को खत्म कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट A33, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल M और साथ 33। अगर स्मॉल ये एंट्री को A11 से जाहिर करते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11 होगा तो उसको M11 से जाहिर करते हैं। अब आ जाए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एक मैट्रिक्स लेते हैं, पहली रो मेरे बच्चों सबके लिए A1 होगी, दूसरी रो सबके लिए A2, तीसरी रो सबके लिए A3, पहला कॉलम सबके लिए 1, दूसरा कॉलम सबके लिए 2 और तीसरा कॉलम सबके लिए 3 होगा। अब एक बार इसमें नोट करें कि माइनर किसी भी एंट्री का, जिस तरह माइनर निकाला है आपको फैक्टर है, माइनर M11 आपके पास क्या है, किसका माइनर है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11। तो यहां पे आप देखें हमें माइनर तो हमने फाइंड कर लिया, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, पहला एलिमेंट जो है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका क्या है, पहले मैं आपको जनरल बता दूं कि माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, आई मैंने बताया कौन सा जे कौन सा, यहाँ आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1,
तो उसमें फॉर्मूला होता है माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। व्हाट इज एम आई जे? एम आई जे माइनर है, यानी माइनर निकालना आपको आता है तो कोफैक्टर ऑटोमेटिकली आपने सीख लिया। जो माइनर है उसको किस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं? माइनस वन की पावर आई प्लस जे। क्या मतलब कि अगर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन निकालना होगा तो पहले ए वन वन का माइनर आपको पता हो वो क्या है? एम वन वन। उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर इधर आई है तो इधर भी आई, इधर जे है तो प्लस जे, इधर ए वन वन है तो क्या आएगा? माइनस वन की पावर वन प्लस वन, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, दोनों को प्लस कर लें और साथ ए वन वन का जो माइनर जो पहले आप सीख चुके हैं वो मल्टीप्लाई कर दें एम वन वन। दोबारा समझ लें, कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकालना होगा तो कोफैक्टर को हम जाहिर कैसे करते हैं? कैपिटल से, यानी ये फॉर्मूला मैंने लिखा ना, तो इसको ए आई जे कैपिटल ए आई जे से जाहिर करेंगे। समान ए आई जे को इंट्रिकली जाहिर करते हैं और कैपिटल ए आई जे माइनर कोफैक्टर के लिए। तो ये क्या फॉर्मूला बनाया था? माइनस वन की पावर आई प्लस जे साथ एम आई जे, यानी माइनर को किस से मल्टीप्लाई कर लें? माइनस वन की पावर में इधर जो भी है आई प्लस जे। जिस तरह इधर वन वन है तो इसको हम जाहिर किससे करते हैं? शाबाश, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन इज इक्वल टू कैपिटल ए वन वन। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन, किसी के कोफैक्टर को किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल ए से। अगर वन वन है तो कैपिटल ए वन वन, फॉर्मूला क्या है? माइनस वन की पावर आई प्लस जे, यानी माइनस वन की पावर आई की जगह वन, जे की जगह वन और साथ उसका माइनर एम वन वन। तो माइनर आपको निकालना आता है माइनस वन की पावर टू एम वन वन का मतलब होता है पहले जो छोड़ दें और पहला कॉलम, तो क्या आएगा आपके पास? ए टू टू, ए टू थ्री और ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, इसका डिटरमिनेंट। माइनर पहले सीख लिया है, एम वन वन का मतलब क्या था कि पहली रो छोड़ें पहला कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट, और उसके साथ अगर और क्या मल्टीप्लाई कर दें? माइनस वन की पावर रो प्लस कॉलम, कि ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, तो वो पहले माइनर था अब क्या बन गया? कोफैक्टर। एक और निकालूंगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए टू थ्री, शाबाश में बच्चों क्या आएगा? कैपिटल ए टू थ्री। कोफैक्टर को किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल ए से। अगर दूसरी रो और तीसरी कॉलम की एंट्री है तो ए टू थ्री कैपिटल में, साथ क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री के साथ क्या आएगा? माइनर। कौन सा माइनर? माइनर टू थ्री, एम टू थ्री। तो माइनर निकालना आता हो तो कोफैक्टर तो ऑटोमेटिकली आपने सीख लिया, माइनर के साथ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई कर दें? माइनस वन की पावर में टू प्लस थ्री, तो मेरे बच्चों माइनस वन की पावर फाइव और एम टू थ्री का मतलब क्या है? टू में दूसरी रो, थ्री में तीसरा कॉलम, दूसरी रो छोड़ देते हैं और तीसरा कॉलम, यानी कि ये दूसरी रो छोड़ दी और तीसरा कॉलम, बाकी मेरे बच्चों क्या बच गया है? ए वन वन, ए वन टू, ए थ्री वन और ए थ्री टू, इसका डिटरमिनेंट। अभी एक मैं एग्जांपल अपनी तरफ से लेके तमाम माइनर पहले निकालूंगा, फिर तमाम कोफैक्टर, फिर आपकी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल हो जाएगी। आज हम इसी टॉपिक को पक्का कर लेते हैं, माइनर को और कोफैक्टर को पूरी एक एग्जांपल के साथ। नौ के नौ में माइनर निकालूंगा, फिर नौ के नौ कोफैक्टर, तो फिर पेपर में जाहिर बात कोई एक पूछेगा तो मैं नौ के नौ निकाल दे दूंगा। अगर थ्री क्रॉस थ्री है तो उसके नौ माइनर होंगे, नौ को फैक्टर, क्या मतलब? एक मैट्रिक्स अपनी तरफ लिख लें, टू थ्री वन वन माइनस वन माइनस टू, टू वन थ्री, जी माइनर सारे लिखते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन, यानी पहले रो में और पहले कॉलम में एंट्री आती है, तो माइनर को एम से जाहिर करते हैं, एम वन वन, एम वन वन। क्या मतलब? पहले रो छोड़ दें और पहला, ये पहली रो है ये छोड़ दें, पहला कॉलम, बाकी क्या बच गया? माइनस वन माइनस टू वन थ्री। समझ आ गया बच्चों कि किसी एंट्री का माइनर निकालना हो तो उस रो, यानी ए वन का मतलब पहले रो में आ रहा है और पहले कॉलम, पहले रो छोड़ दें पहला कॉलम,
माइनस वन माइनस टू वन थ्री, तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री, मेन डायमेंट्रीज आपस में टाइम दरमियान माइनस और वन मल्टीप्लाई बाई माइनस टू, तो ये आएगा आपके पास माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू, तो ये माइनस वन, बहुत ही सिंपल है। अब माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन टू, ए वन टू का माइनर मेरे बच्चों क्या आएगा एम वन टू, पहले रो छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम, पहले रो छोड़ देते हैं ये, और आप कौन सा कॉलम छोड़ेंगे ये खत्म, इसके बाद दूसरा कॉलम, तो मेरे बच्चों आएगा वन माइनस टू टू थ्री, तो क्या आएगा मेरे बच्चों मेन डायमेंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट वन मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस टू, थ्री वन दा थ्री माइनस माइनस प्लस टू टू दा फोर, थ्री प्लस फोर सेवन, आप कौन से निकालेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन थ्री, क्या आएगा मेरे बच्चों एम वन थ्री, पहली रो छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, एक तो पहली रो छोड़ेंगे ये पहली रो और तीसरा कॉलम, बाकी जो बच जाएंगे उनका डिटरमिनेंट यानी वन माइनस वन टू वन, तो ये वन मल्टीप्लाई बाई वन दरमियान में माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, वन वन दा वन माइनस माइनस प्लस टू वन दा टू इक्वल टू थ्री, अब निकालेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू वन, कैसे जाए करेंगे एम टू वन से, दूसरी रो छोड़ आप दूसरी रो छोड़ेंगे यानी कि सेकंड रो ये खत्म कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम, बाकी मेरे बच्चों बात किया थ्री वन और वन थ्री, उसका क्या निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट, तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें सेकेंडरी डायगोनल, अब थ्री थ्री दर नाइन माइनस वन इक्वल टू एट, अब माइनर और निकालते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू टू, क्या आएगा मेरे बच्चों एम टू टू इज इक्वल टू, क्या आएगा दूसरी रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम, दूसरी रो छोड़ें ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम, बाकी बात ये टू वन टू थ्री, टू मल्टीप्लाई कैसे होगा टू मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन, टू थ्री आर सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर, नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू थ्री इज इक्वल टू एम टू थ्री इज इक्वल टू, सेकेंड रो मेरे बच्चों छोड़ दें और थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम, अगर ये रो तो छोड़ देते हो ये कॉलम, तो ये बचेगा टू थ्री टू वन, तो ये मेरे बच्चों क्या आ गया टू वन था टू मल्टीप्लाई वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल आपस में, तो टू माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फोर, तो मैंने अभी तक माइनर के निकाल लिए एक दो तीन चार पाँच छः फर्स्ट रो के, अब थर्ड रो के निकाल लिए सेकेंड के निकाल, अब आएंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए थ्री वन इज इक्वल टू एम थ्री वन इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चों अब तीसरी रो छोड़ेंगे और पहला कॉलम, ये रो छोड़ दें और थ्री, देखें पहले थ्री है ना, तो थर्ड रो कॉलम कौन सा छोड़ना है फर्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थ्री वन माइनस वन माइनस टू, तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस टू और माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस वन, थ्री टू दस सिक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस फाइव, उसके बाद क्या करेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए थ्री टू इज इक्वल टू एम थ्री टू, क्या मतलब कौन सी रो मेरे बच्चों छोड़ेंगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो छोड़ देते हैं और सेकंड कॉलम, बाकी एंट्री टू वन वन माइनस टू टू वन वन माइनस टू, दोबारा देखें तीसरी रो छोड़ दें तो तीसरी रो को मैं छोड़ देता हूँ पक्का पक्का, और कौन से छोड़ना है दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी देखें आप नजर आ रहे हैं कौन से बच गए टू वन वन और माइनस टू, तो ये क्या आएगा
2 multiply by minus 2 minus 1 multiply 1 to 2 the minus 4 minus 1 equal to minus 5. अब आखिरी माइनर आ गया, माइनर ऑफ एलिमेंट ए 33 इज इक्वल टू एम 33. अब क्या करना है, कौन सी रो छोड़ोगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम. तो तीसरी रो तो पहले ही मैंने पक्की पक्की छोड़ दी, अब तीसरा कॉलम भी पक्का पक्का छोड़ देते हैं. तो बाकी क्या बच गया, जो आपका रिक्वायर्ड है 2 क्रॉस 2 पर 2 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1. भाई आपने पेपर में भी पक्का पक्का नहीं छोड़ देना, पता चले पक्का पक्का छोड़ दिया रिजल्ट आए तो रिजल्ट में भी नंबर कौन हो, तो पक्का पक्का नहीं छोड़ना, फिलहाल इधर छोड़ सकते हैं. तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 2 माइनस 2 वन दर 2 वन 3 वन दर 3 तो माइनस 5. तो मेरे ख्याल में माइनर मैंने 9 की 9 निकाल ली हैं. अब ऑब्जेक्टिव में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो माइनर निकाल देंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी कोई आए तो आप मेरे ख्याल में माइनर फाइंड कर लेंगे. अब आ जाए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए 11, कोफैक्टर ऑफ ए 11, कोफैक्टर किस तरह करते हैं, कैपिटल ए 11, बाकी तो माइनर ही निकालना है ना, वो निकाले मैं, सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या करना है, ए 11 का मतलब माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और साथ अगर ए 11 का कोफैक्टर निकालना है तो उसको कैपिटल ए 11 से जाहिर करेंगे और माइनस 1 की पावर में दोनों को लिख लेंगे और साथ उसका माइनर, ए 11 का माइनर क्या होता है, एम 11 जो कि आप निकालोगे माइनस 1 की पावर 2 और एम 11 कितना निकालोगे मेरे बच्चों, माइनस 1. तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इनटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1. तो अगर आपने माइनर निकाल लिए तो कोफैक्टर तो इंतहाई आसान हो गए. अब कोफैक्टर ऑफ ए 12 क्या है मेरे बच्चों, किस तरह करेंगे, कैपिटल ए 12 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, जिसका आप जिस एंट्री का माइनर कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसको माइनस 1 की पावर में रो पहली है दूसरा कॉलम माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और साथ उसका ए 12 का माइनर एम 12 और माइनर आपने ये बनेगा माइनस 1 की पावर 3 और एम 12 भी तो निकालोगे, ये एम 12 इसका आंसर है जी 7. तो ये आ गया माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 7. अच्छा माइनस 1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर प्लस 1 आएगा और अगर माइनस 1 की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस 1 आएगा. वजह माइनस 1 स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 और माइनस 1 क्यूब का मतलब होता है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1. यहाँ माइनस 1 कितना होता है, दो दफा माइनस और माइनस प्लस, तो आंसर प्लस 1. माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस 1 1 दर 1 और 1 1 दर 1. तो इसका मतलब है माइनस 1 की पावर इवन हो तो आंसर प्लस 1, माइनस 1 की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस 1. कोफैक्टर नेक्स्ट कौन सा है, कोफैक्टर ए 13 क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल ए 13 और मैंने क्या बताया है, किसी का भी कोफैक्टर निकालना तो माइनस 1 की पावर उसको रो और कॉलम में माइनस 1 की पावर लिखेंगे और साथ क्या आएगा एम 13 उसका माइनस. तो ये माइनस 1 की पावर 4 एम 13 कहाँ निकालोगे जी आपने, ये देखिए एम 13 इसका एम 13 का आंसर आ गया 3. ये माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3. तो ये 13 आ गए. कुछ इधर निकाल लेते हैं, आपके पास माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जी ए 21 क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल ए 21 माइनर को, माइनर को एम 21 से, कोफैक्टर को कैपिटल ए 21 से, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 साथ क्या आएगा एम 21. जिस इंट्री का आपने कोफैक्टर निकालना हो उसको माइनस 1 की पावर में इसकी रो और कॉलम 2 प्लस 1 और साथ उसका माइनर उसी इंट्री का माइनर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 की पावर 3 और एम 21 मेरे बच्चों कितना आया भाई, ये एम 21 8. तो ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू माइनस 8. एक और मैं निकाल देता हूँ आखिरी, माइनर ऑफ एलिमेंट
A33 is equal to capital A33 माइनस वन की पावर में मेरे बच्चों देखेंगे 3 प्लस 3 और साथ उसका माइनर M33 यानी माइनस वन की पावर 6 और M33 आपने एंड भी निकाला था। M33 आपके पास कितना है मेरे बच्चों, ये M33 माइनस 5 तो माइनस वन की पावर 6 प्लस 1 इंटू माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5। तो आज आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट काम सीखा है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं और किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर। तो माइनर निकालने के लिए डेफिनेशन क्या है कि जिस फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय M11 ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड द डिटरमिनेंट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो क्या मतलब है कि किसी भी, अब इन जनरल क्या होगा फार्मूला, माइनर ऑफ एलिमेंट aij, हमें तो नहीं पता कौन सा हो सकता, तो इन जनरल आई जे लिखते हैं, इज इक्वल टू mij। इधर डिटरमिनेंट किसका आएगा, ith रो और jth कॉलम को खत्म करके बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट, और सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ aij is equal to minus 1 की पावर i plus j और साथ माइनर mij, इसके साथ माइनर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस 1 की पावर i plus j। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं जिसके आपने 9 के 9 माइनर और 9 के 9 को फैक्टर निकाल के प्रैक्टिस करनी है, तो कल इस एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन अगर ये आप अच्छी तरह तैयार हो गए तो एक्सरसाइज इंतहाई आसान हो जाएगी। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके 9 के 9 आपने माइनर और 9 के 9 को फैक्टर, यानी ए आपके पास है 2 माइनस 2 3 4 3 7, इसमें आपने 9 के 9 माइनर और 9 के 9 को फैक्टर निकालने, तो और उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। इसके एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो डेफिनेशन है 101 पे, इसमें माइनर ऑफ एलिमेंट की और 102 पे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ये दो होगी। उसके बाद आ जाए एग्जांपल टू, एग्जांपल टू में उसने कहा है फाइंड माइनर M12 M22 एंड M32 को फैक्टर निकालना है, A12 A22 और A32 और A का डिटरमिनेंट भी निकालना है, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से एग्जांपल टू में से क्या निकालना है A। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैथमेटिक्स प्री फर्स्ट ईयर हम 3.3 स्टडी कर रहे थे, उसमें कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था माइनर ऑफ एन एलिमेंट कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस की होगी, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि आपने प्रैक्टिस करना है। आज उसी की बेस पे हम 3x3 यानी जिसमें 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों उसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सीखेंगे। एक क्वेश्चन अगर 3x3 का है तो वो आप फर्स्ट रो से कर सकते हैं, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, यानी हमारे पास टोटल मेथड है 6। तो अभी मैं आपको सारे बताऊंगा क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है फार्मूले, तो उसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे वो किसी एक मेथड से किए करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 5 -2 -4 3 -1 -3 -2 1 और 2। अब इसको देखें, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, मैं फर्स्ट रो से फाइंड कर सकता हूँ, सेकंड रो से फाइंड कर सकता हूँ, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। ये कौन सी एंट्री है, ये 5 है, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम है, उसको कहते हैं A11। जो एंट्री लिखेंगे साथ ही उसका कोफैक्टर,
A11 का कोफैक्टर मैंने पढ़ा था कल, ए कैपिटल A11 इसको कोफैक्टर बोलते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट रो से आ करता हूं। फिर आप प्लस लगाएंगे, जब आप प्लस लगाएंगे तो सेकंड एंट्री डियर स्टूडेंट है आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 या कैपिटल ए और ए कैपिटल A12 उसका कोफैक्टर। फिर लास्ट एंट्री है A13 और कोफैक्टर आएगा A13, सबको ऐड कर लेंगे अगर आप फर्स्ट रो से कर लें। दोबारा देखें, फर्स्ट रो की पहली एंट्री है जो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, ऐसी एंट्री जो देखें पहले रो लेते हैं, ये कौन फाइव कौन सी रो में है फर्स्ट रो और फाइव कौन सी कॉलम में है फर्स्ट, पहले रो लिखा फिर कॉलम, -2 फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा सेकंड, तो A12। जो आप एंट्री लिखेंगे साथ उसी एंट्री का कोफैक्टर लिखेंगे, ये A11 है तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, आगे एंट्री है A12 कैपिटल A12, A13 और कैपिटल A13। चलिए A11 की जगह 5, अब इसको रफ पे करें, A11 इक्वल टू कल क्या बताया था -1 की पावर 1+1 और साथ M11। जब कोई आप कोफैक्टर निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, -1 की पावर में रो और कॉलम, पहली रो में आ रहा है पहले कॉलम में तो -1 की पावर 1+1, उसके बाद क्या करेंगे आप के साथ उसका माइनर लिखेंगे, माइनस ये क्या बनेगा -1 की पावर 2 और M11 का क्या मतलब है कि पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम, बाकी क्या बच गया -1, -3, 1, 2 और -1 का स्क्वायर +1 होता है -1, -3, 1, 2, तो एक कैपिटल A11 की क्या वैल्यू आ गई -1, -3, 1, 2। ये रख पे कर दोबारा देख लें, A11 पहली एंट्री है 5, फिर कैपिटल A11 का मतलब होता है -1 की पावर 1+1 और साथ उसका माइनर, माइनर का मतलब होता है कि M11 यानी पहली रो छोड़ देते हैं और पहला कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट। अब आ गए A12, A12 क्या है आपके पास -2 इधर प्लस है और कैपिटल A12 किस कहते हैं कोफैक्टर को, ये होता है -1 की पावर 1+2 और साथ क्या आएगा M12। जब भी कोई कोफैक्टर निकालते हैं, कल मैंने डिटेल में बता दिया था कि उसको लिखेंगे -1 की पावर 1+2 और साथ उसका माइनर यानी M12, तो ये बनेगा -1 का क्यूब। M12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो छोड़ दें और कॉलम कौन सा छोड़ दें सेकंड, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड, तो मेरे बच्चों क्या आएगा 3 -3 और -2 और 2, तो ये -1 का क्यूब होता है -1, -3, -3, -2, क्या आएगा इधर 3 -3, -2 और 2, ये -1 का मतलब है इधर प्लस को क्या कर लें माइनस, ये माइनस है तो उसको मैंने इस प्लस की जगह क्या लिख दिया माइनस। आखिर में क्या है A13 का मतलब क्या है -4+ और A13 के -4 और A13 को रफ ख्याल कर लेते हैं, A13 का मतलब -1 की पावर 1+3 फर्स्ट रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो छोड़ दी और थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया 3 -1 -2 1 3 -1 -2 1, तो ये आ गया मेरे -1 की पावर 4 3 किस में होता है वो आ गया करेंगे -1 की पावर इस कैसे रहने दें 3 तो ये -1 की पावर 4 +1 3 -1 -2 1, तो क्या आ गया प्लस है ना 1 है तो 1 देखने की जरूरत नहीं है, तो 3 -1 -2 और 1, तो दोबारा समझ लें यहां पर कि सबसे पहले आपने फर्स्ट ये देख लें कि कहां से हल करेंगे, फर्स्ट रो से भी हल हो सकता है, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। मैं फर्स्ट रो से अगर हल करूं तो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे वो रो छोड़ने का वो कॉलम आपके पास, तो या डायरेक्ट क्या है A11 कैपिटल A11 प्लस ये एंट्री आ रही A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13। अब देख रहे हैं A11 एंट्री 5 है
और कैपिटल A11 को आप रफ पहल कर रहे हैं, क्या होता है माइनस वन की पावर वन प्लस वन और साथ होता है M11। M11 का मतलब है पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम माइनस वन माइनस थ्री वन टू उसका डिटरमिनेंट और साथ क्या आता है माइनस वन की पावर वन प्लस वन माइनस वन की पावर वन प्लस वन माइनस वन की पावर टू जो कि आपके पास प्लस वन होता है तो वो प्लस आ गया सिर्फ। A12 की जगह माइनस टू और कैपिटल A12 की जगह क्या बताया था माइनस वन की पावर वन प्लस टू यानी माइनस वन का क्यूब और माइनस वन का क्यूब क्या होता है माइनस वन तो ये साथ माइनस आएगा और A12 का क्या मतलब है साथ M12 यानी पहली रो छोड़ दें दूसरा कॉलम थ्री माइनस टू टू फिर A13 आएगा। A13 का मतलब है कि ये एंट्री माइनस फोर और कैपिटल A13 का मतलब कोफैक्टर माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री और साथ में माइनर लिखना है माइनर का मतलब होता है पहली रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम थ्री माइनस वन माइनस टू वन और A13 क्योंकि वन और थ्री को जमा करें तो इवन आ रहा है इवन आएगा तो माइनस वन की पावर में अगर इवन हो तो प्लस। अब डायरेक्ट मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे कर आप इसको छोड़ दें क्योंकि आप ये तो मैंने समझाने के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए किया। अब आपने जब पेपर में डायरेक्ट करना है उसका तरीका क्या है कि पहली एंट्री लिखें फाइव फाइव चेक करें कौन सी रो में आ रहा है पहली रो पहला कॉलम दोनों को जमा करें इवन होगा तो साथ प्लस इवन होगा तो क्यों प्लस क्योंकि इसको लिखना होता है माइनस वन की पावर इवन हो तो प्लस वन और माइनस वन की पावर ऑड हो तो माइनस वन क्योंकि ये A11 कैपिटल A11 का फॉर्मूला होता है क्योंकि कैपिटल AIJ का फॉर्मूला है माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब देखें कैपिटल A11 का मतलब है माइनस वन की पावर वन प्लस वन यानी माइनस वन की पावर टू जो कि इवन है तो इधर प्लस आएगा और साथ पहली रो छोड़ A11 का मतलब है उसका माइनर M11 पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम माइनस वन माइनस थ्री वन टू। आप देखें A12 की जगह माइनस टू कैपिटल A12 का मतलब है पहली रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम थ्री माइनस टू टू और वन को टू में जमा करें आठ आठ हो तो माइनस टू बाहर करेगा माइनस फिर A13 का मतलब माइनस फोर वन और थ्री को जमा करें फोर इवन तो प्लस आएगा और A13 का माइनर M13 पहली रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम थ्री माइनस वन माइनस टू और वन हल कर लें। अब हल कैसे होगा मेन डायगनल एंट्रीज माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू रिमेंड माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री मेन डायगनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंडरी डायगनल एंट्रीज आपस में माइनस माइनस प्लस टू थ्री मल्टीप्लाई बाई टू माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री इधर प्लस माइनस फोर थ्री मल्टीप्लाई बाई वन माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन तो ये आपके पास आएगा फाइव माइनस टू माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री टू सिक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 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 फोर थ्री वन थ्री माइनस माइनस प्लस और माइनस ये आएगा फाइव थ्री माइनस टू वन प्लस टू इंटू जीरो माइनस फोर इंटू वन फाइव वन जर फाइव प्लस जीरो माइनस फोर इक्वल टू वन। तो थ्री क्लास थ्री का डिटरमिनेंट आपने निकालना सीख लिया। आसान तरीका क्या है कि हमें बेशक किस रो से हल करेंगे पहली रो से हल करने के छह तरीके हैं पहली रो से हल करें दूसरी रो से तीसरी रो से पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से या तीसरे कॉलम से। अगर पहली रो से हल करेंगे पहले क्या लिखेंगे ये फॉर्मूला था इसको बिशा के नहीं है समझाने के लिए किया था। अब आपने डायरेक्ट कैसे करना है पहली रो की पहली एंट्री लिखनी है वो जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देने हैं और वो कॉलम पहली रो है पहला कॉलम तो वन प्लस वन टू इवन है तो साथ प्लस साथ क्या देगा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है वो रो छोड़े वो कॉलम माइनस वन माइनस थ्री वन टू फिर आप दूसरी एंट्री लिखें उसकी उसके साथ माइनस क्यों आएगा क्योंकि ये दूसरी एंट्री है इस रो की वो फर्स्ट रो में आ रही है और सेकंड कॉलम रो फर्स्ट वन है कॉलम टू है दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वन प्लस टू थ्री आठ आठ होगा तो सात आएगा माइनस क्यों माइनस आएगा माइनस वन की पावर पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम माइनस वन की पावर थ्री इक्वल टू माइनस तो ये माइनस आ
फिर ये जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देते हैं, वो कॉलम 3 -3 -2 और 2। फिर आखिरी एंट्री लिखें पहली रो की, वो पहली रो में आ रही है और तीसरे कॉलम में 1 + 3 = 4 इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम 3 -1 -2 1 3 -1 -2 1। आगे आपको हल करना आता है, -1 * -2 -1 -3 -2 -3 -4 3 - -1 -2 - -1 -2 + 3 6 - 6 3 - 3 - 2। तो ये 3 - 2 1 6 - 6 0 3 - 2 1 5 - 5 2 - 0 0 -4 5 - 4 1। अब देखें इसके मैं जो पहले आपको 6 के 6 तरीके लिख देता हूँ और किसी एक तरीके से और हल करता हूँ, फॉर्मूले 6 के 6 आने चाहिए। अब दूसरी रो से हल करें, 3 कौन सी रो में आ रहा है, दूसरी रो और कॉलम कौन सा है, पहला। तो a21 के साथ कोफैक्टर कौन सा होगा, कैपिटल a21, क्योंकि मैं दूसरी रो से हल कर रहा हूँ। फिर ये कौन सी एंट्री है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में, तो a22 कैपिटल a22। फिर ये a23 कैपिटल a23, सेकेंड तरीका ऑब्जेक्टिव के लिए नया फॉर्मूला मान गए। थर्ड रो में a31 कैपिटल a31, ये कौन सी रो में आ रहा है, तीसरी रो दूसरा कॉलम a32 कैपिटल a32 और ये a33 कैपिटल a33। अब पहले कॉलम के लिए मैं लिखता हूँ, ये कौन सी रो में आ रहा है, a1 कॉलम 1 कैपिटल a11, ये कौन से रो में आ रहा है, a21। दो आपके पास रो दूसरी है कॉलम 1 और साथ जो एंट्री होती है वही साथ कोफैक्टर, ये कौन सी रो में आ रहा है, a3 और कॉलम 1 a31। इस तरीके से ये a12 पहली रो दूसरा कॉलम और साथ कैपिटल a12, ये a दूसरी आपके पास कौन सी है, दूसरी रो दूसरा कॉलम a22 कैपिटल a22, और ये आपके पास एंट्री कौन सी रो में आ रही है, आपके पास थर्ड रो और कॉलम कौन सा, आपके पास सेकंड स्मॉल a32 और कैपिटल a32 इज द लास्ट। तो आपको तरीका पता चल गया सारा का, हम हमेशा फर्स्ट रो से, मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको थर्ड रो से हल करता हूँ इसी सवाल को, किस रो से हल करता हूँ, थर्ड रो से। मैंने क्या बताया, पहले वो एंट्री लिखेंगे -2 कौन सी रो में आ रहा है, -2 कौन सी रो में आ रहा है, तीसरी रो और तीसरे कॉलम 3 + 3 दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 6 6, इवन आठ इवन हो तो क्या आते 7 प्लस। फिर साथ माइनस लेने के लिए क्या करते हैं, वो रो छोड़ देते हैं और वो कॉलम, ये आप रो छोड़ दें, वो एंट्री जिस रो में आ रही है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम, बाकी बचेगा -2 -4 -1 -3। फिर मैंने तीसरी रो से हल कर रहा हूँ, तीसरी रो का मतलब तीसरी रो की दूसरी एंट्री लिखी 1, आप इसके साथ चेक करते हैं कौन सी आएगी, ये 1 कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो और कॉलम कौन सा है, सेकंड 3 + 2 5 5 क्या है, आड है, आड हो तो क्या होता है, इसके साथ माइनस। फिर ये जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देते हैं ये वाली, और ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये 5 - 4 3 - 3 5 - 4 3 - 3। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि अभी आपको सही बात नजर नहीं आ रहा होगा, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना मिले। 5 - 2 - 4 3 - 1 - 3 - 2 1 और 2। अभी मेरे बेटा इसको मैं हल करूँ तीसरी रो से, तो तीसरी रो की पहली एंट्री ये है, ये लिखें, ये कौन सी रो में आ रही है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 = 4 4 क्या है आपके पास, इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ देते हैं, ये देखें और ये कॉलम, वो जिस रो में आ रही है रो भी छोड़ दें, वो कॉलम, बाकी -2 - 4 - 1 - 3। फिर इसकी सेकंड एंट्री में ये वाली है 1 1 कौन सी रो में आ रही है, थर्ड और कॉलम कौन सा, ये वाला, थर्ड रो छोड़नी और सेकंड कॉलम, अगर इनको जमा करूं ये एंट्री 3 + 2 थर्ड रो है और सेकंड कॉलम, वो देखते होते -1 की पावर 3 + 2 ऊपर क्या आ रहा है, आड आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस,
ये रो छोड़ देंगे बच्चों और ये कॉलम 5 माइनस 4 3 माइनस 3 5 माइनस 4 3 माइनस 3 एंड पे क्या आएगा, थर्ड रो से हल करें, किसी एक रो से हल कर सकते हैं। मैं थर्ड रो से 2 कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो और कॉलम थर्ड 3 प्लस 3 6 6 इवन एडवांस में क्या आएगा प्लस। अब ये क्या करते हैं, ये जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें और वो कॉलम 5 माइनस 2 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 और माइनस 1 हल करते हैं। ब्रेड कॉलम आपके पास -2 -3 2 6 -(-+)-4 ये आपने इस तरह का स्पेस से अप्लाई किया, फिर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -1 5 -3 -15 और -(-)+ एक ये माइनस और एक माइनस वैसे दरमियान में आता है। मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में अप्लाई करते हैं दरमियान माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में, तो ये 4 3 12 5 -1 -5 और -9 3 2 6 तो ये देखिए आंसर 6 -4 2 -15 12 -3 तो ये आपका -4 3 3 2 5 -4 1 ये आंसर 1 पहले भी ना कोई फर्क नहीं। इसका मतलब है इसको कैसे हल कर सकते हैं, फर्स्ट रो से सेकंड रो से थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। मैं अब किसी एक कॉलम से ट्राई करता हूँ, इधर लिखें एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर थ्री, इधर मेरे बच्चों क्या लिखा एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन, आप क्या लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम वन। तो एक डिटरमिनेंट हल करने के 3 प्लस 6 के 6 तरीके, कॉलम वन से करते हैं कॉलम थ्री से कर लेते हैं। तो कॉलम थ्री की पहले एंट्री लिखेंगे, अब ये कॉलम थ्री है आपके पास, ये बाकी खत्म कर लेते ताकि आपको सही समझ आए। कॉलम थ्री ये है बस, कॉलम थ्री की पहली एंट्री क्या है -4 तीसरे कॉलम में आ रहा है और पहली रो में है 3 प्लस 1 4 इवन है तो साथ बाय प्लस आएगा, ये रो छोड़ देते हैं -4 इस एंट्री में आ रहा है वो रो छोड़ने को कॉलम, बाकी बचे 3 -1 -2 1 3 -1 -2 1 फिर आप थर्ड कॉलम से हल करें, हम किस से हल कर रहे हैं कॉलम थ्री की दूसरी एंट्री क्या है -3। अब देखिए -3 कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम है और रो कौन सी है सेकंड, तो अब आप क्या करेंगे थर्ड कॉलम छोड़ देंगे और सेकंड रो, थर्ड कॉलम 3 और सेकंड रो 2 3 प्लस 2 5 आर है तो बाय बाय का माइनस, ये रो छोड़ने और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम 5 -2 -2 1 5 -2 -2 1 लास्ट में प्लस, ये 2 आ रहा है एंट्री क्या थर्ड 2 कौन सी रो में आ रहा है कॉलम तीसरा है रो भी तीसरी है 3 प्लस 3 6 इवन है तो बाहर आएगा प्लस, ये रो छोड़ दें ये कॉलम और ये रो बाकी 5 -2 3 -1 ये -4 3 -3 -+ और -(-)+ 3 5 -+ और दरमियान में माइनस फॉर्मूले में आता है 5 5 -3 2 6 तो ये -4 3 -2 1 3 5 -4 1 1 तो ये -4 3 + 2 5 -4 1 तो ये भी आंसर 1 ये भी 1 और ये भी 1। तो आज आपने क्या सीखा है, किसी भी डिटरमिनेंट को हल कर 3 क्रॉस 3 जिसमें 3 रोज हों और 3 कॉलम हों तो उसको हल करने के 6 तरीके हैं, या फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं या सेकंड रो से या थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम से या सेकंड कॉलम से या थर्ड। मैंने फर्स्ट रो से किया है और थर्ड रो से, आप सेकंड रो से भी हल करें, आप 6 के 6 तरीके से हल करेंगे किसी एक सवाल को ताकि आपको उनके फॉर्मूले पता हों कि अगर ये पहली एंट्री है a11 तो साथ कैपिटल a11 को फैक्टर आएगा a12 कैपिटल a12 a13 कैपिटल a13 सेकंड रो के लिए a21 कैपिटल a21 प्लस a22 कैपिटल a22 प्लस a23 कैपिटल a23 थर्ड रो के लिए a31 कैपिटल a31
A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A33। सिमिलरली कॉलम के लिए A11 कैपिटल A11 और ये आप प्लस कौन सी हो A21 कैपिटल A21 और ये आप A31 कैपिटल A31 इस तरह आपके दो। तो तीनों मैंने तीन तरीके से किया, आपने छह के छह तरीकों से एक सॉल्व करना है, लेकिन पेपर में तो किसी एक तरीके से, यानी हम हमेशा किस रो से हल कर देंगे, पहली रो से, लेकिन एक्सपेंड आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब मैं मजीद कुछ क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो। इसमें बहुत कोई 20-25 क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे 3.3 में जिनका 3x3 का आपने डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो आज आप अच्छी तरह सीख लें ताकि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही अच्छी होते। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को 5, 2, -3, 3, -1, 1, -2, 1 और -2। अभी आसान, पहले हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, रो वन। मैंने क्या तरीका बताया, पहले रो वन की पहले एंट्री लिखते हैं। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा चेक करते हैं, ये जो पहली एंट्री है कौन सी रो में है, पहली रो और कॉलम कौन सा है, पहला रो और कॉलम को जमा करें 1 + 1 2, इवन होगा तो प्लस। अब ये यार अटल भी लगाना कि इवन होगा तो प्लस क्यों, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j, क्योंकि ये A11 के साथ कैपिटल A11 होता है, कैपिटल A11 का मतलब होता है -1 की पावर i + j, यानी i + j के मतलब 1 + 1 और साथ M11 का मतलब है पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ के डिटरमिनेंट ले लें। लेकिन अब हम आपको डायरेक्ट बताया करेंगे कि अगर हम रो और कॉलम को जमा करें, ऑड आए तो माइनस, इवन आए तो प्लस। अब पहली एंट्री जो है 5, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2, इवन है तो प्लस। अब 5 जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देते हैं और वो कॉलम, बाकी बचेगा -1, 1, 1, -2। फिर क्या होता है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 2 है, 2 कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो है और 2 कॉलम कौन सा है, सेकंड। 1 + 2, रो और कॉलम को जमा करें 1 + 2, 3, ऑड है तो माइनस और पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम 3, 1, -2, -2। फिर आखिरी एंट्री पहली रो की -3 है, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम देखें -3 पहली रो में आ रहा है और कॉलम कौन सा, थर्ड, 1 + 3, 4 है, 4 इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ दें और ये -3 जिस रो में आ रहा है रो छोड़ देते हैं, वो कॉलम 3, -1, -2, 1, ये 5। अब आप पता है मेन डायगनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -1 / -2, दरमियान में -1 / 1, 3 / -2, -2 / 1, -3, 3 / 1, और आपके पास आए -2 / -1। मेन डायगनल एंट्रीज आपस में, सेकेंडरी डायगनल एंट्रीज आपस में, मेन डायगनल एंट्री 3 / -2 - -2 / 1, 3 / 1, दरमियान -2 / -1, 5 - +2 - 1, 3 / -2 - 6, -9 + 2, 3 × 1 = 3, -9 + -2, तो ये 5, 2 - 1, -2 - 6 + 2 - 4, -3 - 3 - 2 - 1, तो ये 5 × 1 = 5, -9 + 2 = 4 = 8, -3 = 8 + 5 = 13, -3 = 10। तो मेरे ख्याल बहुत ही आसान हो गया 3x3, यानी 3 रो और 3 कॉलम वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वो आज आपने सीख लिया। कोई भी रो किसी रो से हल कर सकते हैं, हमेशा हम फर्स्ट रो से हल किए करेंगे। तो पहले क्या लिखें, 5 जिस रो में आ रहा है रो छोड़ दे वो कॉलम, बाकी जो बच जाता है उनका डिटरमिनेंट। इलामा चेक करनी है साइन कौन सा आएगा, 5 पहली रो में है, पहला कॉलम 1 + 1 = 2, इवन है तो प्लस। फिर 2 लिखें,
फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, टू पहली रो में आ रहा है, दूसरे कॉलम वन प्लस टू, थ्री आर्ड है तो माइनस, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम थ्री वन माइनस टू माइनस टू। फिर आखिरी एंट्री रखेंगे माइनस थ्री, फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री माइनस थ्री है, पहली रो में आ रहा है, तीसरे कॉलम वन प्लस थ्री फोर, इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम थ्री माइनस वन माइनस टू वन। आगे आपको करना आता है, एक पार्ट और करता हूँ, फिर आज आपने 3.3 में जो जितने भी क्वेश्चन हैं 3x3 के बहुत सारे दिए हैं, जो विदाउट एक्सपेंशन जो है, एक आगे क्वेश्चन आएंगे विदाउट एक्सपेंशन, वो आपने नहीं करने, और जो एक्सपेंशन वाले हैं वो सारे आज आपने कर लेने हैं। लेक्चर कैंप में बता दूंगा कौन कौन से आपने क्वेश्चन करने हैं। काफी सारे हो जाएंगे, एक पार्ट में भी और करता हूं। इसका है फोर्थ पार्ट, पहली रो है ए प्लस एल ए माइनस एल ए ए ए प्लस एल ए माइनस एल, और लास्ट रो है ए माइनस एल ए और ए प्लस एल। यहां देखिए मैंने क्या बताया कि हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन आर वन देख लें या पूरा लिखें रो वन, तो मैंने क्या बताया रो वन की पहली एंट्री लिखेंगे ए प्लस एल, फिर इसके साथ अलामत कौन सी आएगी, पहली रो है पहला कॉलम वन प्लस वन टू, इवन है तो प्लस आएगा, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम, इधर ब्रैकेट लाजम लगाना, अगर एक एंट्री हो तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर ब्रैकेट लगानी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ, फर्स्ट रो छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम ए प्लस एल ए माइनस एल ए और ए प्लस एल, फिर आप कौन सी एंट्री लेंगे सेकेंड फर्स्ट रो की, इसके साथ साइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये सेकेंड एंट्री जो फर्स्ट रो में आ गई और कॉलम सेकेंड है वन प्लस टू, रो वन है कॉलम टू वन प्लस टू, थ्री आड है, अगर आड है तो बाहर क्या आएगा माइनस, अब क्या करते हैं ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम ए माइनस एल जिस रो में आ रहा है वो रो और वो कॉलम, बाकी देखने क्या नजर आ रहे हैं ए माइनस एल और ए माइनस एल और ए प्लस एल, आखिर में लास्ट एंट्री कौन सी रो में आ रही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन प्लस थ्री फोर, फोर इवन है तो साथ क्या आएगा प्लस, आप क्या करेंगे ये रो छोड़ देंगे, ए जिसमें आ रहा है वो कॉलम और वो रो, बाकी क्या बच गया ए ए प्लस एल ए माइनस एल और ए, अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। अब मैं कह रहा था ब्रैकेट क्यों लगाना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहली एंट्री लिख दी ब्रैकेट नहीं लगाई, ये रो छोड़ दी ये कॉलम, अब इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स एल है वो सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ए नहीं हो रहा, क्योंकि पहली एंट्री मल्टीप्लाई हो रही है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ए प्लस एल, अब टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट ए प्लस एल किससे मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एल से, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एल का स्क्वायर, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस सेकेंडरी डायगोनल ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एल, इधर देखें ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एल से, दरमियान में माइनस, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दरमियान में माइनस और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में ए माइनस एल मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एल का स्क्वायर, इधर भी ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एल के मल्टीप्लाई होगा ए माइनस एल से, तो ए माइनस एल और ए प्लस एल, ये देखिए ए प्लस एल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू ए एल, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एल, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एल, इधर क्या आएगा ए माइनस एल ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई एल ए एल, दरमियान में आपके पास क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा ए माइनस एल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
माइनस टू ए एल, बाय माइनस है लिहाजा ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस ए ए स्क्वायर ए माइनस बी, और ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आ गया प्लस ए प्लस एल और ए स्क्वायर कट गया एल स्क्वायर, टू ए एल और ए एल कितने हो जाएंगे थ्री ए एल माइनस ए माइनस एल, यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए एल माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए एल प्लस ए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखें इसको मजीद सिंपलीफाई, ए प्लस एल और इधर आएगा एल स्क्वायर प्लस थ्री ए एल, इधर आएगा माइनस ए माइनस एल और यहाँ ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा टू ए एल, और ए एल कितने ए एल थ्री ए एल माइनस एल स्क्वायर प्लस ए, ये कट गया पीछे क्या बच गया एल स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ ए एल स्क्वायर, पहले ए को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ए को थ्री ए एल, ए और ए कितने हो जाएंगे थ्री मल्टीप्लाई होके थ्री ए स्क्वायर एल, फिर एल मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर एल क्यूब, फिर एल मल्टीप्लाई बाई ए एल स्क्वायर, फिर दरमियान में माइनस है ब्रैकेट लगा लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाई थ्री ए एल थ्री ए स्क्वायर एल, फिर ए मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर माइनस एल मल्टीप्लाई बाई थ्री एल माइनस थ्री ए एल स्क्वायर, और लास्ट में माइनस और माइनस प्लस एल मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर एल क्यूब, और एंड पे इधर क्या हो गया ए एल, आपके पास कितना आ गया ए एल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते हैं ए एल स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर एल प्लस एल क्यूब प्लस थ्री ए एल स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर एल प्लस ए एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री ए एल स्क्वायर प्लस एल क्यू प्लस ए एल स्क्वायर। अब देखें कोई कटते हैं, सबसे पहले देखें जी आपके पास एल क्यू वाले, ये सॉरी यहाँ एल क्यू वाला आएगा माइनस का, क्यों ये प्लस है लेकिन वाई क्योंकि माइनस है, तो ये क्या आएगा माइनस साइन चेंज आएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एल क्यूब एल क्यूब से कट जाएगा। अब देखें थ्री ए स्क्वायर माइनस का और थ्री ए स्क्वायर प्लस का ये भी कट जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं ये एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर है, ये थ्री थ्री और फोर हो गए फोर और वन फाइव और थ्री एट और वन नाइन ए एल स्क्वायर, सारे ए एल स्क्वायर बच गए ना, ये भी ए एल स्क्वायर 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 और ये भी ए एल स्क्वायर, टोटल काउंट कर लेते हैं इधर एक है इधर तीन चार पाँच और तीन आठ और एक नौ, ये आपका आंसर आ गया नाइन ए एल स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं कि जब ये सवाल करना है तो किसी एक रोस को या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड कर लेना है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन, पहले एंट्री लिखें वो जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम ए प्लस एल ए माइनस एल ए और ए प्लस एल का डिटर्मिनेंट, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम वन प्लस वन टू इवन होगा तो प्लस, फिर ए माइनस एल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन प्लस टू थ्री आड है तो माइनस, ब्रैकेट ये लगाना लाजमी है ये वाला क्योंकि दो एंट्री हैं, तो ये रो छोड़ देते हैं ये कॉलम ए ए माइनस एल ए माइनस एल और ए प्लस एल, फिर लास्ट फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री ए फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में है वन प्लस थ्री फोर इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ देते हैं ये कॉलम, जैसा कि ये देख लें ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, तो बाकी क्या बच गया ए ए प्लस एल ए माइनस एल और ए इसका डिटरमिनेंट, आगे आगे खुद सिंपलीफाई कर लें। तो अब देखें स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर वन के छह पार्ट हैं ये सारे करने हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर में दो पार्ट हैं दोनों का डिटरमिनेंट निकालना है और साथ कुछ कोफैक्टर निकालने हैं, तो वो कोफैक्टर मैंने कल बता दिया था, तो क्वेश्चन फोर के दो पार्ट हो गए और ये छह पार्ट आठ हो गए। उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ट्वेल्व में दो पार्ट हैं तीन पार्ट हैं लेकिन एक है फोर
रोज हैं, फोर कॉलम, अभी मैंने सिर्फ थ्री रोज और थ्री कॉलम वाला बताया है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ आपने पार्ट वन का डिटरमिनेंट निकालना और पार्ट टू का। अब होगा क्या, उसने पूछा क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, आपने दोनों का एक उनका नाम ए रख लें तो ए का डिटरमिनेंट या डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लें, तो अगर वो जीरो आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर जीरो नहीं आए नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, और नॉन सिंगुलर में अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर वन के छः पार्ट और क्वेश्चन नंबर फोर के दो पार्ट, 10 पार्ट आपने कल करने हैं। सब यही काम करना है कि पहली रो से सबको एक्सपेंड कर लें। वैसे मैंने आपको तमाम तरीके बता दिए कि फर्स्ट रो से भी हो सकता है, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। कल इंशाल्लाह डिटरमिनेंट की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसके बाद मज़ीद हम क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्री फर्स्ट ईयर का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, और लास्ट लेक्चर में हमने आपको 3x3 जिसमें तीन रोज हों और तीन कॉलम्स हों उसका डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, और लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स सिखाए थे। आज हम डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनको फिर अप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं साथ साथ कराऊंगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चन साथ कराऊंगा। अगर सारी प्रॉपर्टीज मैं एक ही दफ़ा करवा दूं तो फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ होंगे कुछ बाद में होंगे तो वो समझ नहीं आएगी। जो प्रॉपर्टीज कराऊंगा उसी के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरह प्रॉपर्टीज भी आपकी अच्छी तरह तैयार हो जाएंगी और क्वेश्चन भी अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो आज हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, टू थ्री, टू थ्री। अब जरा इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो पहली रो और दूसरी रो एक जैसी है, रो वन इज आइडेंटिकल टू रो टू, तो इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस सेकेंडरी डायगोनल आपस में टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, सिक्स माइनस सिक्स क्या आ गया जीरो। तो यहां से एक बात हमने ये सीखी है, एक प्रॉपर्टी सीखी है कि अगर किसी मैट्रिक्स की दो रोज एक जैसी हों, दो रोज आइडेंटिकल हों, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा जीरो होगा, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा जीरो। इस तरह एक और मैट्रिक्स लेते हैं, टू फोर टू फोर। आप देखें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम है, कॉलम वन इज आइडेंटिकल टू कॉलम टू, ए का डिटरमिनेंट लेते हैं टू टू फोर फोर, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में उठते होंगे टू मल्टीप्लाई बाई फोर और सेकेंडरी डायगोनल आपस में माइनस टू मल्टीप्लाई बाई फोर, एट माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें देख लें कि अगर किसी मैट्रिक्स या किसी डिटरमिनेंट की दो रोज एक जैसी हो जाएं तो उस जो मैट्रिक्स दिया होगा जब उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वो जीरो आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स के दो कॉलम एक जैसे हो जाएं और आप उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा जीरो। यहाँ से आज हमने दो प्रॉपर्टीज कौन सी सीखी हैं मैट्रिक्स इसमें डिटरमिनेंट में, कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका हम डिटरमिनेंट लें अगर उसकी दो रोज एक जैसी हों तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा, और अगर उसके दो कॉलम एक जैसे हों तब भी उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। तो हमने सीखा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ टू रोज आर टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो। तो इन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर हमारा टू है, लेकिन विदाउट एक्सपेंशन
शो दैट पहला पार्ट 6, 7, 8, 3, 4, 5, 2, 3, 4 = 0। कल जो हमने पार्ट किया था उसमें हमने क्या करते थे, पहली रो लिखते थे, वो रो छोड़ते थे, वो कॉलम बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट, उसके सेकंड फिर एलिमेंट लिखते थे, उसके साथ माइनस का सिंबल आता है और माइनस का सिंबल क्यों आता है वो मैंने आपको डिटेल में बताया था, फिर वो रो छोड़ते वो कॉलम उसका डिटरमिनेंट, और फिर लास्ट में आखिरी एंट्री इसके साथ प्लस ये रो छोड़ते ये कॉलम 3, 4, 2, 3 का डिटरमिनेंट। जब इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अभी उसने साथ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, क्या, विदाउट एक्सपेंशन। कल जो हमने किया था उसको एक्सपेंड किया था, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को क्या किया था, एक्सपेंड किया था, लेकिन आज उसने साथ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि विदाउट एक्सपेंशन एक्सपेंड हम नहीं कर सकते। अगर हम एक्सपेंड नहीं कर सकते तो हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज। आज हमने जो दो प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी हैं, किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, यानी एक जैसे हो जाएं, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो वो अप्लाई करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 6, 7, 8, 3, 4, 5 और थर्ड रो है 2, 3, 4। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने खुद चेक करना है कि क्या हम दो रोज एक जैसी कर सकते हैं या दो कॉलम एक जैसे कर सकते हैं। तो देखें जरा, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो वर्क हम रोज या कॉलम पे करेंगे उसका साथ उसके आप रीजन देंगे। कैसे, मैं अगर तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस करूं बाई सारी संख्या देंगे, कॉलम 3 - कॉलम 2, 8 - 7 - 1, 5 - 4 - 1, 4 - 3 - 1। मुझे कॉलम 3 को और कॉलम 2 को माइनस करने से क्या फायदा होगा कि ये 1 1 1। अब देखें अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करूं, 7 - 6 इधर क्या आएगा 1, 4 - 3 इधर क्या आएगा 1, 3 - 2 इधर क्या आएगा 1, ये भी 1 1 1 और ये भी 1 1 1, दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो अभी हम क्या करते हैं जी, बाय कॉलम 2 - कॉलम 1 6, 3, 2, 7 - 6 - 1, 4 - 3 - 1, 3 - 2 - 1, 1 1 1। अब इसको हम क्या रखेंगे, 0। हल नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, बल्कि हमने आज ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में, ये डिटरमिनेंट है, उसमें दो कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वल टू 0 बिकॉज कॉलम 2 इज आइडेंटिकल, यानी एक जैसे कॉलम, ये आइडेंटिकल का सिंबल है, कॉलम 2 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार फिर समझ लें, आज जितने ये पार्ट जिनको 0 करना है तो 0 तब भी पॉसिबल है कि दो कॉलम एक जैसे कर लेते हैं या दो रो। अब आपने क्या करना है कि इसको खुद सोचना है लेफ्ट हैंड साइड लिख के कि मैं इसमें कौन से रो ऑपरेशन या कौन से कॉलम ऑपरेशन लगाऊं, कि डिटरमिनेंट में रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी, तो कॉलम ऑपरेशन कौन सा लगाऊं कि दो कॉलम एक जैसे हो जाए। खुद सोचेंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि 8 - 7 - 1, 5 - 4 - 1, 4 - 3 - 1, 1 1। फिर देखेंगे तो 7 - 6 - 1, 4 - 3 - 1, 3 - 2 - 1। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस करूं और दूसरे कॉलम को पहले कॉलम से माइनस करूं तो हमारे दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो हम जब भी दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। सेकंड पार्ट 0 लेफ्ट हैंड साइड 2 1 2 3 1 - 3 - 1 0 5। अब आप इसमें खुद सोचें कि दो कॉलम एक जैसे मैं कैसे कर सकता हूं, जरा तवज्जो करें। अगर मैं दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम में ऐड कर लूं, 3 में क्या ऐड होगा, -1, तो इधर क्या आ जाएगा 2, इधर भी 2,
वन प्लस जीरो इधर क्या आ जाएगा वन, ये भी वन, माइनस थ्री प्लस फाइव टू, तो ये भी टू, तो ये दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा जीरो। अब एक और भी हो सकता है कि अगर मैं कॉलम वन को कॉलम टू से माइनस करूं, टू माइनस थ्री इधर क्या आएगा माइनस वन और इधर भी माइनस वन, वन माइनस वन जीरो इधर भी जीरो, टू को जब इससे माइनस करूंगा साइन चेंज होगा, टू प्लस थ्री फाइव ये भी फाइव, तो तब भी जीरो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को हल करने के एक से ज्यादा भी तरीके हो सकते हैं डिटरमिनेंट्स में, तो जो आपको इजी लगे। आप देखिए इजी ये है कि हम ऐड कर लेंगे कैसे, बाई कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, थ्री यानी दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम में ऐड कर लें, थ्री माइनस वन ऐड करेंगे टू, वन प्लस जीरो वन, माइनस थ्री प्लस फाइव टू, और तीसरा कॉलम एज इट इज लिखें, तीसरा अपनी जगह एज इट इज लिखें, सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या किया है कॉलम टू और कॉलम थ्री को आपस में ऐड कर दिया। आप देखेंगे इक्वल टू जीरो, क्यों, बिकॉज कॉलम वन इज आइडेंटिकल टू कॉलम टू, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपस में इधर सॉरी टू है, टू वन और टू, तो ये आपके पास कॉलम वन इज आइडेंटिकल टू कॉलम टू इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोबारा देखें लेफ्ट हैंड साइड ली, पहला कॉलम टू वन टू एज इट इज लिखा, अगर मैं दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को ऐड करता हूँ, थ्री माइनस वन टू, वन प्लस जीरो वन, माइनस थ्री प्लस फाइव टू, माइनस वन जीरो फाइव एज इट इज लिख लें। अब देखें के कॉलम वन और कॉलम टू साथ रीजन दस भी देनी है, बाई कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, अब क्या है कॉलम वन और कॉलम टू सेम हो गए हैं, कॉलम वन की एंट्रीज हैं टू वन टू, कॉलम टू की एंट्रीज हैं टू वन टू इक्वल टू जीरो, बिकॉज कॉलम वन इज आइडेंटिकल टू कॉलम टू एंड दैट इज राइट हैंड साइड। तो थर्ड पार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब इसको आप सोचें कि कौन से दो कॉलम जो हैं या दो रोज एक जैसी हो सकती हैं, तो जरा देखें अगर मैं रो थ्री को रो टू से माइनस करता हूँ, सेवन माइनस फोर इधर आएगा थ्री, एट माइनस फाइव इधर आएगा थ्री, नाइन माइनस सिक्स इधर क्या आएगा थ्री 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 थ्री, फिर रो टू को रो वन से माइनस करें, फोर माइनस वन थ्री, फाइव माइनस टू थ्री, और सिक्स माइनस थ्री थ्री, इधर भी थ्री थ्री थ्री, आर टू और आर थ्री आइडेंटिकल हो जाएंगे और आंसर जीरो आ जाएगा। या फिर अगर मैं कॉलम थ्री को कॉलम टू से माइनस करूं, थ्री माइनस टू इधर क्या आएगा वन, सिक्स माइनस फाइव वन, नाइन माइनस एट वन, वन वन वन, और सेम इधर का टू माइनस वन वन, कॉलम टू को कॉलम वन से माइनस करें, फाइव माइनस फोर वन, एट माइनस सेवन वन, बाई कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू, थ्री माइनस टू वन, सिक्स माइनस फाइव वन, नाइन माइनस एट वन, अब सेम बाई कॉलम टू माइनस कॉलम वन, वन फोर सेवन, टू माइनस वन वन, फाइव माइनस फोर वन, एट माइनस सेवन वन, तो ये आप देखें दो कॉलम एक इक्वल टू जीरो, बिकॉज कॉलम टू इज आइडेंटिकल टू कॉलम थ्री इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तीनों पार्ट देखें सेम है, तो नेक्स्ट अब आगे चेक करते हैं क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन थ्री में से कुछ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन थ्री का सेकंड पार्ट देख लें, टू थ्री, पहले जो पार्ट है वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको समझा दूंगा, थ्री नाइन सिक्स टू फिफ्टीन वन इज इक्वल टू नाइन टू वन जीरो वन वन टू टू फाइव वन। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता हो कि मैट्रिक्स में कॉमन कैसे लेते हैं और डिटरमिनेंट्स में कॉमन कैसे लेते हैं। मैं पहले एक मैट्रिक्स लिखता हूं टू
4, 6, 8। अब देखिए जरा मैट्रिक्स में कॉमन लेने का तरीका और डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का तरीका क्या है। यहां से जब टू कॉमन लेंगे तो टू हर एंट्री से टू वन आर टू, टू टू आर फोर, टू थ्री आर सिक्स और टू फोर आर एट। यानी अगर किसी मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स में उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स हो तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी तो वो मैट्रिक्स होगा। अगर मैट्रिक्स में कोई भी एंट्री कॉमन आ रही हो तो वो हर कोई भी नंबर कॉमन आ रहा हो तो हर एंट्री से कॉमन लेना होगा। फॉर एग्जांपल ये 2, 4, 5, 8 अप टू कॉमन टू इसमें है, टू टू आर फोर, टू फोर लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन अगर तभी आ सकता है जब वो हर एंट्री में होगा। आप देखिए अगर ये डिटरमिनेंट होता 2, 4, 6, 8, अब आपने क्या करना है कि ये जो टू कॉमन है किसी एक रो से ले सकते हैं, पहली रो से, दूसरी रो से, अगर तीन रोज हो तीसरी रो से, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से या तीसरे कॉलम से। जिस तरह यहां हमारे पास दो रोज हैं, दो कॉलम, तो मैं यहां से सिर्फ टू कॉमन ले सकता हूँ। टू कॉमन ले तो क्या आएगा, टू वन दर टू, टू टू दर फोर, ये इट इज। अब यहां से मैंने कोई कॉमन लिया, आपकी मर्जी है रो वन से ले लें, रो टू से ले लें, कॉलम वन से ले लें, कॉलम टू से, लेकिन मैट्रिक्स में कोई भी रियल नंबर कॉमन आएगा जब वो हर एंट्री से कॉमन आ रहा हो। लेकिन डिटरमिनेंट में किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम आर वन। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में कॉमन लेने में क्या फर्क है, कि अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो कोई भी आप जब नंबर रियल नंबर कॉमन लेंगे, अगर वो हर एंट्री से कॉमन है तो तब आप ले सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है, किसी भी रो से अगर 3 by 3 ऑर्डर क्या है, 3 by 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम है, तो आप पहली रो से भी कोई भी कॉमन ले सकते हैं, दूसरी रो से अलग, तीसरी रो से अलग, पहले कॉलम से अलग, दूसरे कॉलम से अलग और तीसरे कॉलम से अलग। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले मैंने प्रॉपर्टी समझा दी, अब आप क्वेश्चन इसका करते हैं। आंसर में देखिए मैंने 9 को जो है ना वो आपने डिटरमिनेंट से बाहर निकालना, 9। अब 9 एट अ टाइम भी कॉमन है, देखिए ना 9 तो कहीं कॉमन नहीं है किसी रो में, पहली रो में 9 कॉमन नहीं है, दूसरी रो में नहीं है, तीसरी रो में भी नहीं है, किसी कॉलम में भी 9 कॉमन नहीं है। 9 के फैक्टर 3 × 3, 9 के फैक्टर क्या बनते हैं 3 × इट्स मीन पहले हम क्या कॉमन लेंगे 3 देखें कहां कॉमन है, 3 तो देखें पहली रो में कॉमन नहीं है, दूसरी रो में 3 का टेबल जा रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 2, 3, 0, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 × 1 = 9, 3 × 2 = 6, 2 = 15, 1 by रीजन के मार्क्स होंगे, लाइक टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम, चेक करें कौन सी रो थी, दूसरी रो थी R2। अब देखें अभी मुझे मैंने क्या कहा था 9 बनाना है, 9 तो कैसे आएगा 3 × 3, अब हमें एक 3 मिल गया, एक 3 और ढूंढना है कि कहां पे कॉमन है, तो देखते हैं जी। अब इधर भी इस रो में कोई नहीं, इस रो में कोई नहीं, इस रो पहले कॉलम में भी 3 कॉमन नहीं, लेकिन ये देखें सेकंड कॉलम में सब पर 3 का टेबल जा रहा है, तो एक 3 कॉमन यहां से ले लेंगे, ये आएगा 2, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 5, 15, 0, 2, 1 by taking 3 comma from column 2, दूसरे कॉलम से ये 3 कॉमन है, 3 3 9 2 1 0 1 1 2 2 5 4 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड ये 9, पहली रो है 2 1 0, दूसरी रो है 1 1 2 और तीसरी रो है 2 5 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा है, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि 3 × 3 के डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं। आज हमने सीखा है कि एक्सपेंड किए बगैर जो उसने आंसर मांगा है वो कैसे निकाला जाता है। तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ती हैं, और पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी कि अगर कोई सी दो रोज एक जैसी हो जाएं किसी भी डिटरमिनेंट में या मैट्रिक्स में तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई सी दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो
उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। और अगर मैट्रिक्स में से कोई एंट्री कॉमन लेनी हो तो वो हर कोई वैल्यू कॉमन लेनी हो तो वो अगर हर एंट्री में कॉमन होगी तो हम बाय कॉमन लेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप अलग कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थर्ड प्रॉपर्टी जो अभी बताई होगी इस पर अप्लाई हुई है। तो अब इंशाल्लाह 3.3 बहुत ही सिंपल हो जाएगी आपके लिए। आपने दोनों टाइप पढ़ ली हैं कि क्वेश्चन को एक्सपेंड कैसे करते हैं 3+3 के डिटरमिनेंट को, या वैसे प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम आगे मजीद इसके क्वेश्चन करेंगे जो जिसमें एक्सपेंड करने वाले भी होंगे और प्रॉपर्टीज वाले भी होंगे विदाउट एक्सपेंशन। तो इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि मजीद आपकी जो आगे एक्सरसाइज हमने करनी है वो आप उसमें बहुत अच्छी तरह आपके क्वेश्चन हो जाएँ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 11 है और हम 3.3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट जो कि ए प्लस एल ए ए ए ए प्लस एल ए ए ए और ए प्लस एल, इसका डिटरमिनेंट है एल स्क्वायर 3a प्लस एल। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे a प्लस एल a a फिर a a प्लस एल a a a और a प्लस एल। अब हमने बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से कर सकते हैं, थर्ड रो से, अगर तीन रो हैं, तीन कॉलम हैं, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन किए करेंगे और रो वन से पहले ये एंट्री लिखेंगे ए प्लस एल, ये रो छोड़ देते हैं, इसके साथ प्लस आएगा। और प्लस क्यों आएगा मैंने बड़ी डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 9 और 10 में आपको बताया हुआ। तो ये आपके पास रो छोड़ दें और ये कॉलम, बाकी क्या बच गया आपके पास ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल। फिर आप क्या देखते हैं पहली रो की सेकंड एंट्री, इसके साथ क्या आता है माइनस, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम। एक वो एंट्री जिस रो में आए, क्योंकि पहली रो से एक्सपेंड करते हैं तो जब पहली रो से एक्सपेंड किया जाता है तो फर्स्ट एंट्री लिखते हैं पहली रो की, वो रो छोड़ते हैं, वो कॉलम उसके साथ प्लस, फिर पहली रो की सेकंड एंट्री लिखते हैं उसके साथ माइनस आता है क्योंकि वो फर्स्ट रो में आ रही है और सेकंड कॉलम में, तो वो 1+2 3 ऑड है। तो इधर क्योंकि साथ फॉर्मूले में आता है -1 की पावर 1+2 -1 की पावर 3 जो कि ऑड हो, तो माइनस। अब आप डायरेक्ट याद कर लें फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस, सेकेंड एंट्री के साथ माइनस, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, बाकी क्या ये देखें ये रो छोड़ी और ये कॉलम, बाकी क्या बच गए ए ए ए और ए प्लस एल। फिर आप क्या लिखेंगे आखिरी एंट्री उसके साथ क्या आएगा प्लस, क्योंकि पहली रो में आ रही है और थर्ड कॉलम 1+3 4 अगर इवन हो तो साथ प्लस, क्योंकि इसको आपने -1 की पावर 1+3 और साथ उसका माइनस लिखना होता है। लेकिन आप डायरेक्ट समझ लें कि क्योंकि पूरा टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाया था कि पहली एंट्री लिखेंगे उसके साथ प्लस, पहली रो की वो रो छोड़ देंगे और वो कॉलम ए, बाकी क्या बच गया ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल उसका डिटरमिनेंट। फिर आप क्या लिखेंगे सेकंड एंट्री उस रो की उसके साथ माइनस, वो रो छोड़ दें वो कॉलम ए ए ए और ए प्लस एल का डिटरमिनेंट। ये देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब आप छोड़ेंगे तो ये ए बचेगा ए ए और ए प्लस एल, फिर फर्स्ट रो की आखिर एंट्री क्या है ए इसके साथ प्लस आएगा, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम, बाकी बचेगा आपके पास ए ए प्लस एल ए और ए। ये दोबारा समझने अगर पहला स्टेप समझ आ जाए तो आगे सारी सिंप्लीफिकेशन ही है। इसमें याद रखें किसी एक रो से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट रो की पहली एंट्री लिखते हैं, अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो पहली एंट्री के साथ प्लस, दूसरी एंट्री के साथ माइनस, तीसरी एंट्री के साथ प्लस। ये प्लस माइनस क्यों आता है ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में
अपने लास्ट लेक्चर में आपको बड़े डिटेल में समझाया था जब हमने माइनस और कोफैक्टर्स पढ़े थे। तो अभी देख लें, ए प्लस एल जब लिखेंगे ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, ये रो भी छोड़ दें और ये कॉलम भी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बाकी आपको नजर आ रहे होंगे कौन से हैं, ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल, ए प्लस एल ए ए और ए प्लस। फिर आपने क्या करना है, जब सेकंड एंट्री लिखनी है ए उसके साथ माइनस आएगा, वो रो छोड़ दें और वो कॉलम। और बाकी देखिए क्या नजर आ रहे हैं, ए ए ए और ए प्लस एल, ए ए ए और ए प्लस एल। फिर आखिरी एंट्री लिखते हैं ए उसके साथ प्लस, वो रो छोड़ देनी और वो कॉलम। ये देखिए वो रो छोड़ दी वो कॉलम। बाकी आप नजर आ रहे होंगे क्या नजर आ रहे हैं, ए ए प्लस एल ए और ए, ए ए प्लस एल ए और ए। अब इसको हल करते हैं, ए प्लस एल आपको पता है कि जब भी टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज, यानी ए प्लस एल मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एल से, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस एल का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए, ए का स्क्वायर माइनस ए, इधर क्या आएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस एल माइनस, ये मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस और सेकेंडरी डायगोनल आपस में ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर प्लस ए, इधर क्या आएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर माइनस, यानी मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में माइनस सेकेंडरी डायगोनल ए इंटू ए प्लस एल, ए इंटू ए प्लस एल। अब देख लें जरा यहां क्या आएगा, ए प्लस एल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू ए एल, परफेक्ट स्क्वायर ओपन करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई एल ए एल माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, इधर आएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एल। अब आपके पास ए कट गया, अब बाकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए किस मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर से तो ए एल स्क्वायर, फिर ए मल्टीप्लाई होगा टू ए एल से तो टू ए स्क्वायर एल, एल मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर एल क्यू और एल मल्टीप्लाई बाई टू ए एल टू ए एल और एल एल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर एल माइनस ए स्क्वायर एल, यहाँ आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्क्वायर और एल। अब देखें सबसे पहले आप क्या लिखें, बड़ी पावर एल क्यूब, तो एल क्यूब वाले लिखें कितने एल क्यूब, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें ए स्क्वायर एल आपके पास है और ये भी ए स्क्वायर एल, कितने ए स्क्वायर एल हो गए टू ए स्क्वायर एल और ये भी टू ए स्क्वायर एल, ये दो है और ये माइनस के दो प्लस के दो कैंसिल हो गए, माइनस का ए स्क्वायर एल माइनस का ए स्क्वायर एल, तो माइनस के टू ए स्क्वायर एल और प्लस के टू ए स्क्वायर एल कैंसिल। अब ए एल स्क्वायर और प्लस टू ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर वाले दो और एक तीन हो गए प्लस थ्री ए एल स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है एल, तो अंदर आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन है तो इधर आपके पास क्या आएगा, आपके पास एल प्लस थ्री ए, एल प्लस थ्री ए इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू एल प्लस थ्री ए, एल स्क्वायर इंटू एल प्लस थ्री ए, ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लें, आपने इम्प्रूव करना है इसको, एल स्क्वायर इंटू थ्री ए प्लस एल, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ली है तो हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन करते हैं, तो रो वन से जब एक्सपेंड करते हैं तो पहली एंट्री लिखेंगे रो की ए प्लस एल, उसके साथ सिंबल आएगा प्लस का, लिखने की जरूरत नहीं है, वो रो छोड़ देनी है और वो कॉलम, ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल इसका डिटरमिनेंट। फिर सेकंड एंट्री लिखनी है उस रो की उसके साथ माइनस, ये रो छोड़ दें ये कॉलम ए ए और ए और ए प्लस एल। फिर आखिरी एंट्री ए लेंगे, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम ए ए प्लस एल ए और ए। अब ए प्लस एल ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज है ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं टू प्लस टू में, ए प्लस एल मल्टीप्लाई बाई ए प्लस एल होल स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर, दरमियान में माइनस माइनस ए, ए किस मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एल से, दरमियान में माइनस और ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान माइनस और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में, प्लस ए ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एल से।
अब ए प्लस एल परफेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं, ए प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू ए एल माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए एल माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एल माइनस ए एल। ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब a मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई टू ए एल, टू ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा टू ए स्क्वायर और साथ एल, फिर एल मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर एल क्यूब और एल मल्टीप्लाई बाई टू एल टू ए एल स्क्वायर। इधर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए एल माइनस ए स्क्वायर एल और आपके पास लास्ट में ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्क्वायर एल। ये कट गए, कैसे कटेंगे, माइनस ए स्क्वायर एल और माइनस ए स्क्वायर एल, माइनस के कितने हो गए माइनस टू ए स्क्वायर एल और प्लस टू ए स्क्वायर एल कैंसिल, फिर आप क्या लिखेंगे एल क्यूब और टू ए एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, टू और वन कितने हो गए थ्री ए एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉमन लेंगे एल प्लस थ्री ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर, वन 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 एक्स वाई जी और वाई जी जी एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू वन 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 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। अब इसमें एक बात नोट करें कि जैसा कि डिटरमिनेंट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो उनका डिटरमिनेंट क्या होता है जीरो, और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उनका भी डिटरमिनेंट जीरो। अब जरा आ जाएं इधर फॉर एग्जांपल ए आपके पास हो टू फोर फोर सिक्स, ए का डिटरमिनेंट लेते हैं, ए का डिटरमिनेंट तो आएगा टू फोर फोर सिक्स, टू किस मिले होगा सिक्स से, टू सिक्स आर ट्वेल्व और फोर फोर आर सिक्सटीन कितना आ गया माइनस फोर। अब जरा इनकी जगह चेंज करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड रो से चेंज करें, वो ए तो नहीं रहेगा फोर सिक्स और टू फोर। अगर मैं किसी मैट्रिक्स की दो रोज को चेंज कर दूं या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दूं तो उसके डिटरमिनेंट में और पहला जो है उसके डिटरमिनेंट में क्या फर्क आता है चेक करते हैं। फोर फोर दा फोर किस में पड़ेगा फोर से सिक्सटीन, टू से दा ट्वेल्व कितना आ गया फोर, पहले माइनस फोर था अब प्लस फोर। इसका मतलब है अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज को हम चेंज कर लें या दो कॉलम्स को चेंज कर लें तो उनके डिटरमिनेंट्स में क्या आएगा माइनस का फर्क आएगा। इसका मतलब है जब भी दो रोज हम इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा माइनस, माइनस का डिफरेंस पूरा करने के लिए बाहर हम क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जब पहली रो को मैंने दूसरी रो से चेंज कर लिया तो पहले माइनस फोर था अब आंसर क्या आ गया प्लस फोर, अगर पहले प्लस फोर होता तो बाद में माइनस फोर। यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी आपने सीख ली डिटरमिनेंट में कि अगर पहले एक का डिटरमिनेंट हो और अगर दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो बाद में किसका बन जाएगा माइनस एक का, यानी माइनस का डिफरेंस आएगा माइनस का डिफरेंस। अब इस प्रॉपर्टी की बेस पे आपने क्या याद रखना है, जब भी हम डिटरमिनेंट को हल कर रहे होंगे और कहीं पर भी हम दो रोज को इंटरचेंज करेंगे, कहीं पर भी हम दो रोज को इंटरचेंज करें तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, बाहर क्या आएगा माइनस। इसी तरह जब भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा माइनस। हम याद रखें डिटरमिनेंट में दो रोज को आपस में चेंज कर सकते हैं और दो कॉलम्स को भी आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब भी चेंज करेंगे तो बाहर हम क्या लिखेंगे माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है वन 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 एक्स वाई जी जी एक्स और एक्स वाई। अब आंसर में देखें मुझे क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, वाई का स्क्वायर चाहिए और जी का स्क्वायर चाहिए। इधर एक्स मौजूद है
अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो x का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, इसको y से मल्टीप्लाई करूं तो y का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और क्या चाहिए z का स्क्वायर, और अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई करूं तो हमें z का स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, हम किसी एक एंट्री को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए मैं x, मुझे तो इधर x स्क्वायर, इधर राइट हैंड साइड में x स्क्वायर चाहिए ना एक टर्म, तो मैं अगर किसी एंट्री को एक्स स्क्वायर बना रहा हूं तो उस पूरी रो को मल्टीप्लाई करूंगा या पूरे कॉलम को। आप देखें ये पहला कॉलम है, अगर मैं इधर एक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना है इस एंट्री को, तो इस ये एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर। इस एंट्री को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए जो मैं नंबर मल्टीप्लाई करूंगा वो पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी एक एंट्री को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉलम वन को किस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से, एक्स वन दा एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई जी, एक्स वाई जी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ डिवाइड हम बाय कर देते हैं, तो बाय हम x से अंदर मल्टीप्लाई किया और बाय डिवाइड कर दिया, डिवाइड भी इधर ही करना था उसको हमने बाय एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया, बाय। क्या मतलब, ये देखिए मैंने कॉलम वन को x से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, ये देखें x वन का x मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, इसको x से मल्टीप्लाई किया और साथ में डिवाइड, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x y z और डिवाइड। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, x को x से जब मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर और साथ डिवाइड भी कर दिया, इसको y z को भी किस से मल्टीप्लाई किया, x से, तो बन गया x y z और साथ डिवाइड भी कर लिया। इसको हम क्या करते हैं, 1 और x को बाय ले जाते हैं, 1 और x को क्या करते हैं, बाय ले, बाय ले जाने का मतलब क्या है कि बाय हमने एडजस्ट कर दिया, इधर से बाय ले गए। क्या किया भाई, कॉलम वन को x से मल्टीप्लाई करें, x वन और x, x मल्टीप्लाई बाय x, x के और x y z। अब कॉलम टू किस से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम टू में हमें y स्क्वायर चाहिए, इधर y है तो कॉलम टू को y से मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई वन y, y स्क्वायर और y z x, और y से डिवाइड करने इधर किया और उसको y एडजस्ट कर दिए। कॉलम थ्री को z से मल्टीप्लाई करें, z, z स्क्वायर और z x y, z से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड, डिवाइड वाला बाय एडजस्ट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय कॉलम वन मल्टीप्लाइंग बाय x, कॉलम टू मल्टीप्लाइंग बाय y, कॉलम थ्री मल्टीप्लाइंग बाय z, एंड और क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई किया तो y से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा, z से मल्टीप्लाई किया z से डिवाइड भी करना पड़ेगा, x को भी बाय लेंगे जो डिवाइड किया y और z तीनों, तो हम लिखेंगे एंड एडजस्टिंग द फैक्टर 1 ओवर x y z, कि x से मल्टीप्लाई करके x को बाय एडजस्ट करके डिवाइड कर दिया, y को मल्टीप्लाई किया डिवाइड वाला बाय एडजस्ट कर दिया, z को मल्टीप्लाई करके z भी बाय जो डिवाइड किया उसको बाय एडजस्ट कर दिया, वो पूरा फैक्टर क्या बन गया, 1 ओवर x y z। दोबारा देखें, लेफ्ट हैंड साइड लें, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है फिर आंसर देखें मुझे क्या चाहिए, आंसर में तीन टर्म नजर आ रही हैं, पहले बाकियों को छोड़ दें, इसको देखें x स्क्वायर पहले कॉलम में चाहिए, दूसरे कॉलम में y स्क्वायर और तीसरे कॉलम में z स्क्वायर। अब इधर देखें कि हम x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ना तो x स्क्वायर है ना ही y स्क्वायर है ना ही z स्क्वायर है, अगर मैं कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करूं तो ये x स्क्वायर बन सकता है, तो इसको x स्क्वायर बनाने के लिए जो काम करेंगे वो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x वन और x, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय y z, x y z, x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाय इधर डिवाइड करना था उसको बाय एडजस्ट कर दिया, कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय z x, y z x, कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करें, z, z स्क्वायर और z x y,
x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई किया और y से ये डिवाइड, और z से मल्टीप्लाई किया तो z से डिवाइड। डिवाइड अंदर ही करना था, हमने उनको बाय एडजस्ट कर दिया। आप क्या लिखेंगे, कॉलम 1 मल्टीप्लाइंग बाय x, कॉलम 2 मल्टीप्लाइंग बाय y, कॉलम 3 मल्टीप्लाइंग बाय z एंड एडजस्टिंग द फैक्टर x बाय z से मल्टीप्लाई किया तो 1 और x बाय z बाय एडजस्ट भी कर दिया। अब देखिए हमें x स्क्वायर मिल गया, y स्क्वायर मिल गया, z स्क्वायर मिल गया, इधर भी x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x y z, इधर भी x y z, और क्या चाहिए, 1 1 1। अब इधर 1 कैसे बन सकता है, x y z, x y z, x y z कॉमन लेने कहां से, r3 से, तो ये बच्चों बन जाएगा 1, x y z कॉमन लेते हैं, x y z और x y z, x x स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 1, y y स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 1, z z स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 1 by taking x y z common from r3। r3 से क्या कॉमन ले लें, x y z, तो ये x y z आपका कॉमन आ गया, x x से कट गया, y y से कट गया और z z से कट गया। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में कोई एंट्री कॉमन लें तो वो हर एंट्री से अगर कॉमन हो तब कॉमन आएगी, लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट है तो किसी एक रो से भी कॉमन ले सकते हैं। जिस तरह मैंने तीसरी रो से ये x y z कॉमन ले लिया, इधर भी 1 रह गया, इधर भी 1 और इधर भी 1। अब जरा आंसर देखें, अब फर्क क्या रह गया, देखें 1 1 1, इधर भी 1 1 1 मौजूद है, x y z, इधर भी x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, सिर्फ तरतीब क्या है, यहाँ 1 1 1 कहाँ चाहिए पहली रो में, यहाँ कहाँ पे तीसरी रो में, तीसरी रो को पहली रो से क्या कर लें, इंटरचेंज। मैंने स्टार्ट में बताया था जब भी दो रोज इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम तो डिटरमिनेंट में किसका फर्क आएगा, माइनस का, तो वो माइनस कैसे क्या करेंगे, 1 1 1 बाय आर 1 इंटरचेंजिंग R3, ये पहली रो और तीसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर लें, 1 1 1 पहली रो पे आ जाएगा और x y z कहां चल जाएगा, थर्ड रो में। जब भी दो रोस को इंटरचेंज करेंगे बाहर क्या आएगा, माइनस। मैंने एक एग्जांपल से स्टार्ट में समझा दिया था, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एज इट इज। अब फिर देख लें आंसर में, 1 1 1 तो आ गया, x y z कहां चाहिए, दूसरी रो में, यहां तीसरी रो में, दूसरी और तीसरी को फिर इंटरचेंज करें, एक और माइनस आएगा। जब भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस आएगा, 1 1 1 एक्स वाई जी, इधर लिखते हैं एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर टू इंटरचेंजिंग आर थ्री, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 1 1 एक्स वाई जी x square, y square, z square, और right hand side ये 1 1 1 x y z, x square, y square, z square equal to right hand side, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको एक दफा फिर समझे, ज़हन में रख लें, जब भी हम दो रोज को इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम्स को तो डिटरमिनेंट में माइनस का डिफरेंस आएगा, यानी माइनस हम बाय लिख देंगे, साथ एक्सप्लेन कर देंगे बाय आर वन इंटरचेंजिंग आर थ्री, ये जो भी दो रोज या दो जो भी दो कॉलम आप इंटरचेंज करेंगे। इसके अलावा याद रखें किसी भी रो को किसी एंट्री से अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड वाला अंपायर एडजस्ट कर दिए करेंगे, या किसी भी कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय डिवाइड भी करेंगे, एडजस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली इस क्वेश्चन में, फिर आंसर के देखा, आंसर में मुझे टर्म चाहिए x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है। एक कंडीशन में हम फाइंड कर सकते हैं कि इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम को, दूसरे कॉलम को y से और तीसरे कॉलम को z से, ये x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड, z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड, क्योंकि कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम 1 पे डिवाइड करेंगे, वहां से हमने बाय एडजस्ट कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉलम 1 मल्टीप्लाइंग बाय x, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई हमने किससे करना y से, और कॉलम 3 को z से,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड भी करेंगे x से y से z से, वो बाय एडजस्ट कर दिया हमने x y z, तो एंड एडजस्टिंग द फैक्टर 1 ओवर x y z। फिर देखें x y z को ले ले कॉमन, कहां से, थर्ड रो से r3 से, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इधर भी 1 1 1। अब देखें कि नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आंसर को फिर देखेंगे जो हमने फाइंड करना है, 1 1 1 कहां चाहिए, पहली रो में या तीसरी रो में है, तो हम क्या करते हैं पहली रो को तीसरी रो से इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 1 1 इधर आ जाएगा 1 1 1 और x y z इधर x y और z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, एज इट इज। जब भी दो रो आपस में तब्दील करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट में किसका डिफरेंस आएगा, माइनस, यानी माइनस हम बाहर लिख लेंगे, 1 1 1 इधर आ गया आपके पास, यानी r1 को और r3 को आपस में तब्दील कर दिया। अब आंसर देखें कितना बन चुका है, 1 1 1 1 1 1 x y z सेकंड रो में चाहिए या x y z थर्ड रो में है, तो सेकंड रो को थर्ड रो से तब्दील कर लें, x y z ऊपर आ जाएगा और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बाहर क्या आएगा माइनस। जब भी दो रोस या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, बाकी एज इट इज जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसका पांचवा पार्ट है, बी प्लस सी ए ए बी C प्लस ए बी सी सी और ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर ए बी और सी। इसमें आप नोट करें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए और बी सी सी और ए प्लस बी। आप नोट करें मैंने बताया था कि किसी एक रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम आमतौर पे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, पहली एंट्री लिखेंगे बी प्लस सी, दो एंट्रियां हो तो ब्रैकेट में, मतलब दो अगर सम में हो बी और सी के तो ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले एंट्री के साथ क्या आएगा प्लस, ये रो छोड़ देंगे, वो एंट्री जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम, बाकी जो एंट्रीज बात की है उनका डिटरमिनेंट यानी सी प्लस ए बी सी और ए प्लस बी। फिर कौन सी एंट्री लिखेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, इसके साथ साइन कौन सा आना चाहिए प्लस का, इसके साथ माइनस का, पहले एंट्री के साथ प्लस दूसरी एंट्री के साथ माइनस, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, वो एंट्री जिस रो में आ रही है वो रो छोड़ देते होते हैं, वो कॉलम, बाकी क्या बात है बी बी सी और ए प्लस बी। फिर आप लास्ट एंट्री लिखेंगे रो की, वो ए है उसके साथ क्या आएगा प्लस, वो रो छोड़ दें और वो कॉलम, ये लास्ट एंट्री ली फर्स्ट रो की, ये रो भी छोड़ दी और वो कॉलम, बी सी प्लस ए और सी और सी, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, बी प्लस सी तो सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में उठ रही होंगी और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज यानी बी मल्टीप्लाई होगा सी से, बी सी माइनस ए, बी किस से मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी और माइनस बी किस से मल्टीप्लाई होगा सी, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में दरमियान माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में, प्लस ए बी किस से मल्टीप्लाई होगा सी से तो बी सी, माइनस सी किस से मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए, इसको आगे हल करते हैं, बी प्लस सी इधर देखें c मल्टीप्लाई बाई ए सी ए, फिर c मल्टीप्लाई बाई बी सी बी, पहले फर्स्ट एंट्री में दोनों से किया आप a मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर a मल्टीप्लाई बी ए बी और फिर माइनस बी सी प्लस, इधर माइनस है माइनस a, इधर क्या आएगा b a प्लस b स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाई ए बी ए बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए, इधर क्या आएगा बी सी
और c मल्टीप्लाई सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी मल्टीप्लाई में ए माइनस सी ए, तो ये आपका बन जाएगा, कोई कटते हैं ये बी सी और ये भी बी सी, ये कट गए, आप पहले b मल्टीप्लाई होगा सी ए से तो बी सी ए, फिर b मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर तो बी ए स्क्वायर, फिर b मल्टीप्लाई होगा ए बी तो a और b ए बी स्क्वायर, दोबारा देख लें बी सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ए, बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, और b जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो b और b मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर साथ क्या आएगा a, अब c मल्टीप्लाई होगा c a तो c स्क्वायर a, c मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर c a स्क्वायर, c मल्टीप्लाई बाई ए बी c a b, इधर a मल्टीप्लाई बाई a a स्क्वायर साथ आएगा b माइनस a b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी, इधर a मल्टीप्लाई बाई बी सी ए बी सी, ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और ए मल्टीप्लाई बाई ए सी ए और ए ए स्क्वायर साथ आएगा c। आप जरा नोट करते हैं ये क्या है आपके पास ए स्क्वायर सी प्लस का और ये ए स्क्वायर सी माइनस का, आप चेक करते हैं ये ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, एक प्लस का एक माइनस का, ये ए बी स्क्वायर प्लस का और ये ए बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये सी स्क्वायर ए प्लस का और ये सी स्क्वायर ए माइनस का, क्या बात है ए बी सी, ये भी ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी कितने बच गए चार, इक्वल टू फोर ए बी सी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जब भी रो वन से एक्सपेंड करते हैं तो पहले एंट्री लिखते हैं उसके साथ प्लस, सेकंड एंट्री के साथ माइनस, थर्ड एंट्री के साथ प्लस, और ये माइनस क्यों आता है मैंने आपको लेक्चर में डिटेल में बता दिया था जब माइनस और को फैक्टर्स पढ़े। आप देखें जब आप रो वन की पहली एंट्री लिखते हैं तो वो रो छोड़ देंगे वो कॉलम, ये आप रो छोड़ दें ये कॉलम, बाकी देखिए क्या बच गए सी प्लस ए बी और सी और ए प्लस बी, फिर जब सेकंड एंट्री लिखते हैं उसके साथ माइनस वो रो छोड़ देते हैं और वो कॉलम, बाकी ढूंढने क्या बच गए नजर आ रहे हैं आपको बी बी सी और ए प्लस बी, फिर जब आप लास्ट एंट्री लिखते हैं उसके साथ प्लस वो रो छोड़ देंगे और वो कॉलम, बाकी क्या बच गए बी सी प्लस ए सी और सी। अब 2 प्लस 2 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में माइनस, सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में माइनस से मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें दरमियान में माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में प्लस ए बी मल्टीप्लाई होगा सी से बी सी दरमियान में माइनस, सी मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए से, बाकी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका क्या आंसर आ जाएगा फोर ए बी सी जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। और अब इन क्वेश्चन को आपने इस तरह करना है, इसमें से जो कल क्विज होगा वो आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम मजीद इसके क्वेश्चन हल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।